हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो ब्लॉगिंग करते हैं एंड ब्लॉगिंग के लिए फोन परचेस करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। तो दोस्तों आपको एक ब्लॉगिंग कैमरा लेने से पहले इन 5 पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखनी है जब भी आप फोन परचेस करने जाते हो ब्लॉगिंग पर्पस के लिए। फर्स्ट पॉइंट, वाइड एंगल कैमरा, क्योंकि दोस्तों ब्लॉगिंग करते टाइम काफ़ी बार वाइड व्यू को शूट करना पड़ता है, तो आपको इस बात को ध्यान में बिल्कुल रखना है कि आप जो फोन परचेस कर रहे हो उसमें वाइड एंगल कैमरा जरूर हो। सेकेंड पॉइंट, स्टेबलाइजेशन। दोस्तों ब्लॉगिंग करते टाइम हम हमेशा चलते रहते हैं या भाग के वीडियो शूट करते हैं, तो इससे हमारी वीडियो काफ़ी सेकी शूट होती है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए फ़ोन में स्टेबलाइजेशन फीचर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, फ्रेम रेट एंड रेजोल्यूशन। फ्रेम रेट की बात करें तो दोस्तों कई बार हमें स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करने होते हैं, तो अगर आपके फ़ोन में 30 FPS और 60 FPS के ऑप्शन मिलते हैं तो इससे आप काफ़ी स्मूथ स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। रेजोल्यूशन की बात करें तो आज के टाइम में सभी लोग हाई रेजोल्यूशन में वीडियो को शूट करते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलती है, ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं। तो आपको ऐसा फ़ोन देखना है जिसमें आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता हो। फोर्थ पॉइंट, लो लाइट परफॉर्मेंस। कई बार ब्लॉगिंग करते टाइम रात में शूट करने होते हैं या अंधेरी जगह पर शूट करना होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जिस फ़ोन को परचेस करने जा रहे हो वो एक अच्छी पिक्चर दे लो लाइट में भी। एंड फिफ्थ पॉइंट, बैटरी। कई बार हम दिन भर घर से बाहर जाके ब्लॉग शूट करते हैं और वैसे में आपका फ़ोन अच्छी बैकअप नहीं देता है, तो फिर आपका फ़ोन जल्द ही स्विच ऑफ हो सकता है एंड आपको अधूरी ब्लॉगिंग करनी पड़ सकती है। तो चलिए अब देखते हैं कौन से ये स्मार्टफोन है जो ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट है। तो सबसे पहला है वीवो V23। ये फ़ोन ब्लॉगिंग पर्पज से काफ़ी तगड़ा फ़ोन है। तो अब इसके कैमरे की बात करें तो इसके मेन कैमरा में 64 MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर एंड 2 MP का मैक्रो सेंसर मिलता है। एंड फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको ड्यूअल कैमरा देखने को मिलता है। इसमें 50 MP का प्राइमरी सेंसर आता है एंड 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर। तो दोस्तों हमारी वाइड एंगल वाली नीड यहाँ पे दोनों कैमरे से फुलफिल हो जाती है। यहाँ पे आपको फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरे में वाइड एंगल सेंसर मिल जाते हैं। अब जो सेकेंड पॉइंट है स्टेबलाइजेशन का, तो यहाँ पे आपको अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप ऑन करके अपनी सेकी वीडियो को काफी स्मूथली शूट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट की बात करें फ्रेम रेट एंड रेजोल्यूशन की, तो यहाँ पे फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरे से 4K वीडियो को 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है लो लाइट परफॉर्मेंस। तो यह स्मार्टफोन लो लाइट में भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है, तो इससे आप नाइट में भी काफी अच्छे पिक्चर्स ले सकते हो। एंड जो लास्ट पॉइंट है बैटरी की, तो यहाँ पे 4200 mAh की बैटरी मिलेगी 44W फास्ट चार्जर के साथ एंड इससे आपको काफ़ी अच्छी बैकअप मिल जाएगी। तो इस फोन में ये 5 पॉइंट्स फुलफिल होते हैं, इसलिए मैंने इस स्मार्टफोन का सेलेक्ट किया है। तो ये फोन ब्लॉगिंग पर्पज से काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे दो और ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो ब्लॉगिंग के टाइम ये काफ़ी यूजफुल हो जाते हैं। पहला है आई ऑटो फोकस का। तो आप जब वीडियो शूट कर रहे होंगे तो ये फीचर्स आपके आई को डिटेक्ट करेगा एंड आपके फेस को हमेशा फोकस में रखेगा, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है ब्लॉगर्स के लिए। एंड सेकेंड फीचर है ड्यूअल व्यू का। तो आप सेम टाइम पे बैक कैमरा एंड फ्रंट कैमरे से शूट कर पाओगे। तो अब जो सेकेंड फोन है वो भी वीवो का है, वीवो V20 Pro। तो ये फोन भी ब्लॉगिंग पर्पज से काफी अच्छा है। यहाँ पे इसके कैमरे को देखें तो 64 MP का प्राइमरी सेंसर मिलता है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर एंड 2 MP का मैक्रो सेंसर मिलता है। वहीं इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो 44 MP का प्राइमरी सेंसर मिलता है एंड 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर। तो इस फोन से भी हमारा अल्ट्रा वाइड वाला पॉइंट फुलफिल हो जाता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें स्टेबलाइजेशन की, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट है फ्रेम रेट एंड रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे 4K अवेलेबल है, इससे आप 4K वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो 60 FPS तक, तो इससे स्लो मोशन वगैरह भी काफ़ी स्मूथ आते हैं। एंड अगर हम और भी ज़्यादा स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करना चाहें तो 120 FPS और 240 FPS का भी ऑप्शन मिल जाएगा, बट यहाँ पे आपको वीडियो क्वालिटी 1080p पे ही रिकॉर्ड करने का ऑप्शन आता है। नेक्स्ट है लो लाइट परफॉर्मेंस। तो ये फोन लो लाइट में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और अब लास्ट पॉइंट है बैटरी। तो यहाँ पे 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है 33W फ्लैश चार्जर के साथ, तो इस फोन में भी आपको बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिल जाएगा, आप आराम से इस फोन को यूज कर पाओगे। एंड यहाँ पे भी वो दो फीचर्स मिल जाते हैं, आई ऑटो फोकस का एंड ड्यूअल व्यू का, जो काफी अच्छा है। तो दोस्तों ये दो फोन ऐसे हैं जो ब्लॉगिंग पर्पस के लिए काफी सही है। अगर आप न्यू ब्लॉगिंग चैनल ओपन कर रहे हो और न्यू फोन परचेस करने की सोच रहे हो तो मेरा सजेशन यही दो फोन रहेगा। एंड दोस्तों अगर आपका बजट इन दोनों फोन से कम है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपके लिए बहुत जल्दी इससे कम बजट वाले ब्लॉगिंग कैमरा स्मार्टफोन लेके आऊंगा। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।